शासन ला रहा है वो लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या? जानी चाहिए पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब आते रहे भाई, आते रहे, बस सेल्फी बहुत होगी प्लीज। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जनाब ये कॉल पे भी बताया जा सकता था, यहाँ आने की क्या वजह थी, कहते मैं सिर्फ इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। और वो वाकया ये था, वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो मुसलमानों के काफ़िले यहाँ पर आ रहे थे हिजरत करके, तो एक जवान बेटी अपने बूढ़े बाप के साथ आई। रस्ते में सिखों ने उसे रोक लिया और उस बूढ़े बाप के सामने बेटी की इस्मत गरी की गई और फिर उसकी छाती काट के बेटी को उसके बाप की गोद में फेंक दिया गया। वो आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा, और ये बाकिया बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अंकल ये यहाँ खास आके बताने की वजह क्या थी ये वाकिया? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यहाँ तुम्हें ये वाकिया बताने की ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि कल को अगर तुम किसी मकाम पे पहुँचे तो पाकिस्तान की इज्जत और इसके वक़ार को नीलाम या फरोख्त नहीं करना। इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना। कल को किसी मकाम पे पहुंचे तो अमेरिका के टक्के हासिल करने के लिए कौम की बेटी को ना फरोख्त कर देना। कल को किसी मकाम पे पहुंचे तो अपने बच्चों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर ना भेज देना। कल को किसी मकाम पे पहुंचे तो इस्लामाबाद की सड़क पे गाड़ी के नीचे कुचलने वाले अपने जवान को, वो कर्नल जोसेफ जिसने ये काम किया, उसको रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से बाहर ना भेजना। तो वही पैगाम आज मैं जश्न आज़ादी के मौके पे आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर किसी मकाम पे पहुँचे तो अंग्रेज़ों के कुत्ते ना लेना ना। 70 सालों से अंग्रेज़ों के ग़ुलाम किसी न किसी तरीके से हम पे मुसल्लत रहे, उनसे हमें छुटकारा पाना है और इसके लिए जदोजहद शुरू करें। बहुत जल्द अक्टूबर या नवंबर में लॉकडाउन ख़त्म होते ही इंशाल्लाह निश्तर पार्क में नौजवानों का एक अजीम जमे गफीर होगा और उसके लिए तैयारी करें पूरे कराची में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शहीर सलमी साहब, नारा वो लगाए पाकिस्तान का मतलब क्या? जानी चाहिए।